हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मल्टीप्लिकेशन ट्रे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, कुछ एनी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके बताएंगे बहुत इजी वे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 को 42 से मल्टीप्लाई करना है। 48 को 42 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर फर्स्ट नंबर सेम हो ओके, और सेकेंड नंबर का सम 10 हो, फर्स्ट नंबर का अगर पहली संख्या सेम हो, सेम है 4 4, और दूसरी संख्या का सम यानी टोटल 10 हो, तो ये ट्रिक इस नंबर ये ट्रिक ऐसे मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होगी। ओके, इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं ये जो ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर ऐसा डिजिट रहेगा पहला नंबर फर्स्ट नंबर सेम हो और सेकेंड नंबर का सम टोटल यानी 10 हो, ये ट्रिक उस नंबर में वो होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कुछ बताते हैं करके। 8 2 जा कितना होता है 16 16, यहाँ लिख दिया। ओके, और 4 4 4 जा कितना होता है 16 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 में 4 ऐड किया कितना हो गया 20, कितना हो गया हमारा आंसर 2016। अब इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या, पहला क्या है, पहला नंबर सेम है और सेकेंड नंबर क्या है, दोनों का सम टोटल 10 है, तो इसीलिए क्या करेंगे 8 2 जा कितना हुआ 16 16 लिख दिए, और 2 2 4 2 2 जा कितना होता है 4 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 616। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66 into 64, ध्यान से आप लोग देखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीख पा रहे होंगे। तो क्या है हमारा पहला नंबर 66 सेम है, सेकेंड नंबर क्या है 64, इन दोनों संख्या का सम क्या है 10 हो रहा है, तो क्या करेंगे 64 जा कितना होता है 24, 66 जा 36, 36 में 6 ऐड किए कितना हो गया 4224 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया 7 3 जा कितना हुआ 21। ओके, 3 3 जा 9 9 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी हमें आंसर क्या आ गया 1221। मैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 88 को 82 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 8 2 जा कितना हुआ 16, 8 8 जा कितना हुआ 64 64 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या है 72 7216 हमारा आंसर गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन, 52 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकेंड नंबर का सम टोटल 10 आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 8 जा कितना हुआ 16, 5 5 जा कितना हुआ 25 25 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, हमारा आंसर क्या आ गया 3016। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सेवन्थ क्वेश्चन 44 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, 6 4 6 जा कितना हुआ 24, 4 4 जा कितना हुआ 16 16 में 4 ऐड किए कितना हो जाएगा 20, यानी 2024 हमारा आंसर आ गया। अब एट क्वेश्चन देखते हैं, 71 को 79 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, 9 हो गया तो इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो यानी हम 09 लिखेंगे। 77 का कितना हुआ 49 49 में 7 ऐड किया कितना हो गया, यानी 56 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 23 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 21। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और क्या हो गया, 2 2 जा कितना हुआ 4 4 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 6, यानी 23 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 621। ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया, सॉरी, 19 हो गया इंटू 1 1, ठीक है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 पहला नंबर यहाँ सेम करना है, सेम था पहला नंबर, यहाँ सेम नहीं था इसलिए रॉन्ग हो गया, फर्स्ट नंबर सेम है और सेकेंड नंबर का सम टोटल 10 होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो इसको 2 डिजिट में लिखेंगे 09, 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी हमें आंसर क्या आ गया
209, क्या गया 209। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैजिकल ट्रिक सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ।